इस बीमारी के लास्ट स्टेज से जूझ रही है द कपिल शर्मा शो की एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। द कपिल शर्मा शो की कास्ट हर घर में पसंद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपिल शर्मा शो की पॉपुलर एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, जिसका पुख्ता इलाज अभी डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी का खुलासा द कपिल शर्मा शो की सुमोना चक्रवर्ती ने खुद सोशल मीडिया पर किया था। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण औरतों को गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस बीमारी के लक्षण और उसकी स्टेज क्या होती है। आपको बता दें कि एंडोमेट्रियम टिश्यू गर्भाशय के अंदर विकसित होता है, जिसे एंड्रोमेट्रियल इम्प्लांट कहा जाता है। लेकिन जब गर्भाशय के बाहर एंड्रोमेट्रियम टाइप टिश्यू हो जाता तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम टाइप टिश्यू एंडोमेट्रियम की तरह ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इकट्ठा होता है, जिसके चलते ये गिरने लगता है। लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिसके चलते ये पेट या पेलिव्स के आसपास जमा होने लगता है और इसी की वजह से काफ़ी पेन होने लगता है, क्योंकि इसके जमा होने से इन्फ्लेमेशन सिस्ट बन जाता है। आपको बता दें कि शारदा हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर अर्चना मेहता की अगर माने तो एंड्रोमेट्रियोसिस बॉडी को तोड़ने वाली एक बीमारी है, जिसके चलते कई लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके साइकिल के दौरान काफ़ी तेज दर्द होना, साइकिल के एक दो हफ्ते के आसपास आपको दर्द होना, या फिर साइकिल के बीच कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, या फिर इस वजह से आप मां नहीं बन सकते, या फिर यहाँ पर कई सारी चीजें हो सकती है। तो ये है पूरी खबर। अब बताते हैं आपको इसके कितने स्टेज होते हैं। इसके होते हैं चार स्टेज, जिसमें पहले स्टेज में एंड्रोमेट्रोसिस की शुरुआत होती है, जिसमें पेलिव्स या पेट के अंगों पर टिश्यू के छोटे छोटे इम्प्लांट होते हैं, जिसके चलते छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। स्टेज टू, इस स्टेज में पहले चरण के मुकाबले ज्यादा इम्प्लांट होते हैं और ये टिश्यू को ज्यादा गहराई तक पहुंचा देते हैं। स्टेज थ्री, तीसरी स्टेज के गहरे इम्प्लांट हो जाते हैं, जिसके चलते ओवरी पर छोटे छोटे से सिस्ट बनने लगते हैं और साथ ही एडिसन नामक शकार टिश्यू के मोटे बैंड बनने लगते हैं। अब है स्टेज फोर, ये एंडोमेट्रियोसिस की आखिरी और सबसे गंभीर स्टेज होता है, जिसमें काफी ज्यादा गहरे इम्प्लांट और एडिशन हो जाते हैं, जिसके चलते ओवरी और बड़े बड़े सिस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसी बीमारी से जूझ रही है सुमोना चक्रवर्ती, जो ढूंढ रही है इसका इलाज। लेकिन इसे मैनेज करने के लिए दवाई, सर्जरी और घरेलू उपायों की मदद ली जा सकती है, जिसमें मरीज को हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का पूरा पूरा ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।